हेलो एवरीवन, मैं रमनदीप कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल लुक फॉर नॉलेज में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। ये 10th क्लास का पॉलीनोमियल चैप्टर चल रहा है हमारा, फाइन। तो चलिए 2.3 में क्या देखते हैं, उसमें हमें दो पॉलीनोमियल दे रखे हैं, एक पी एक्स है आपका, एक जी एक्स है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे डिवीजन मेथड के थ्रू ये पूछा है कि उसका क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या है, फाइन। तो डिवाइड करना है सिंपली, इसे डिवाइड कैसे किया जाता है हम क्वोशेंट के साथ साथ इसे क्लियर करते हैं, फाइन। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पी एक्स पॉलीनोमियल है, इसे हमने डिवाइड किससे करना है, जी एक्स पॉलीनोमियल यानी कि x² माइनस 2 के साथ, फाइन। तो चलिए हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है उसे हमने इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि जो हमारे अंदर वाले यानी कि डिविडेंड का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बन जाए, ठीक है। सेकंड थर्ड क्या बन रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, x² माइनस 2 है। अगर मैं इसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, x³ माइनस 2x, फाइन। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ देगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x देगा, और साइन माइनस का क्यों, यहाँ पे माइनस है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से इसके साइन चेंज किए जाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने x के साथ इस पूरे क्वेश्चन डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, x³ मिला एक तो, और दूसरी चीज क्या मिली मुझे, प्लस का सॉरी माइनस का 2x मिला, माइनस का 2x मिला, फाइन। अब देखिए साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर से क्या निकल कर आया, माइनस 3x². देखिए जो पावर एक्स की जो भी पावर मिलती है हमें, हमें उसी पावर के नीचे सेम पावर वाली वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने 2x को 3x² के नीचे नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की पावर थी वो 1 थी तो हमने 1 वाले के नीचे रखा, फाइन। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 7x आ गया, माइनस का 3 आ गया, फाइन। अब दूसरे केस में देखिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए माइनस का 3x², x² तो हमारे पास है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हमें माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो इसे हमने क्या किया, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 3x² बन गया। अब ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, देखिए माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर प्लस बन जाते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 3 2 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस के 3 से, तो हमारे पास आया माइनस का 3x² और प्लस का 6। चलिए अब देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा, 7x माइनस का 9। अब ये आपका क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया जो हमने निकालना था, और दिस इज योर क्वोशेंट, फाइन, दिस इज योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें किस चीज के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमारा उसमें क्या, हमने फर्स्ट स्टेप है ना, जो हमारा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म है जो हमारी पॉलीनोमियल की, वो क्लियर हो जानी चाहिए, बाकी की अपने आप बनती जाएंगी, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये हमारा डिविडेंड है, और इसे हमने हमारे डिवाइजर x² प्लस 1 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, x² प्लस 1 माइनस x है, इसे हमने क्या बनाना है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x का 4 कैसे बनेगा, अगर मैं बाहर इससे x² से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये पावर आपस में जुट जाएगी और x का हमें 4 देगी, फाइन। और ये किसका है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने बाहर पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव रखा, क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का x² आ जाएगा, ये वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ होगी, और फिर ये इसके साथ होगी। आई होप ये आपको करना आता है, इतना मैं ये मान कर चलती हूँ, फाइन। तो चलिए यहाँ पर आपके पास माइनस का x³ आ जाएगा, और हमने फर्स्ट स्टेप में ये पार्ट किया, तो हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आया, x² के, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, x², और यहाँ पर आया x³ प्लस का x² और माइनस का x³। अब x³ यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर भी, तो इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे,
बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि हमने इसे अंदर कहीं नहीं घुसा सकते, क्योंकि हमें सेम पावर चाहिए ना, हमें हमारे वेरिएबल की पावर सेम चाहिए। अगर नहीं सेम है भाई तो साइड में हटकर काम करेंगे उससे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस बन जाएगा। तो चलिए ये कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 4x² आ जाएगा और ऊपर से 4x आएगा, प्लस का 5 आएगा और ये हमारा प्लस का x³ आएगा। तो चलिए अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब हमारी हाईएस्ट पावर चेक करनी है फिर से। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, x² है ना। अब हमें हर बार हाईएस्ट पावर यहाँ पे फर्स्ट में ही हाईएस्ट पावर होती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट पार्ट चेक करना है। तो नीचे अगर हम इसे सीक्वेंस में लिखना चाहें, हमारा पॉलीनोमियल हमेशा सीक्वेंस में होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x³ है, x² है, x है और कॉन्स्टेंट है तो हमारा ये भी पॉलीनोमियल, ठीक है। बस लिखा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो हमें अब हाईएस्ट पावर x³ बनानी है, क्योंकि यहाँ पर x³ है। तो x³ कैसे बनेंगे, x को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ बन गया। पॉजिटिव बनानी है तो पॉजिटिव बाहर हमने प्लस लेकर चला, फाइन। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x² आ जाएगा। तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करें x के साथ और ये हमारे पास देखो प्लस का x³ चाहिए था तो x³ के नीचे x³ आ गया, सिंपल x के नीचे प्लस का x आ गया और यहाँ पर माइनस का x² आ गया। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का 3x² और यहाँ पे प्लस का 3x और ऊपर से आया 5, फाइन। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने 3x² बनाना, हाईएस्ट पावर 3x² है, x² तो हमारे पास अंदर है। अगर मैं इसे माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरा 3x² बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस का 3x², ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का 3 और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस का 3x, फाइन। तो चलिए माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ये आ गया माइनस का 3x² और प्लस के 3x के नीचे प्लस का 3x लिखिए और यहाँ पर माइनस का 3। तो ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया, 8, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा और दिस इज योर क्वेश्चन, फाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तो बिल्कुल कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, फाइन। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से ही ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि चेक करना है हमने जो हमारा फर्स्ट पॉलीनोमियल है वो हमारे सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब ये चेक कैसे होता है, जब उन्होंने बोला है हमें कि डिवाइडिंग कीजिए, ठीक है, डिवीजन मेथड लगाइए यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही लगाएंगे। ये कैसे पता चलता है कि पॉलीनोमियल जो हमारा फर्स्ट पॉलीनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर है या नहीं, ये तब पता चलता है जब आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए। रिमाइंडर हमें ज़ीरो लेकर आना है, जैसे ही आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है इसका मीन्स ये होता है कि जो फर्स्ट पॉलीनोमियल है वो सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, यानी कि वो सेकंड पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब वो पूरा पूरा फिट हो रहा है उसमें, फाइन। तो चलिए ये हम निकाल कर देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये मेरा एक पॉलीनोमियल है, इसे हमने t² - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है मीन्स t² और -3, तो मुझे कौन सी टर्म लेकर आनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलीनोमियल में, 4 है। तो t की 4 कैसे बनेगी, जब मैं इसे t के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं t² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो t की 4 बनेगी। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 2 भी चाहिए, तो मैं इसे 2t² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आएगा, 2t³ - 2 × 3 = 6 और t², ठीक है, यही दो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएंगी, फाइन। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, टू टी की स्केयर आ जाएगी, इसमें देखिए 2t³ यहाँ आ जाएगा। अब स्केयर की वैल्यू स्केयर वाले के नीचे रखेंगे, माइनस का यहाँ पे भी माइनस का है तो माइनस का t² अब साइन चेंज कीजिए,
ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर से 3t³ निकल कर आया, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, और यहाँ पर 1 + 4t² आया, माइनस का 90, माइनस का 12 आपके पास आया। फाइन, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या देखते हैं, दूसरे केस में हमने क्या बनाना है, टी की क्यूब बनाना है, और टी की क्यूब कब बनेगी, जब हम इसे टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, टी की क्यूब बन जाएगी, लेकिन उसके साथ थ्री भी पड़ा हुआ है, थ्री भी पड़ा है तो मतलब थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरा 3t³ आएगा, 3t³ इसी केस में आएगा, जब थ्री ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो 3t³ बन जाएगा ये, और ये माइनस में आया, और 3 × 3 = 9, और ये टी आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3t आ जाएगा, तो ये 3t³, और यहाँ पर आपका -9t आ जाएगा, तो बाकी 9t को तो 9t के नीचे रखेंगे हम, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4t² - 12, सिर्फ इतनी वैल्यू बची। तो चलिए t² - 3 को करते हैं मल्टीप्लाई, किससे करें, 4t² तो सिर्फ 4 से कर दें, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी देखो 4 के साथ t² मल्टीप्लाई हुआ तो 4t² आ गया, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, तो किसका आएगा, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का आ गया। आई होप ये क्लियर होगा बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4t² - 12 आ गया। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया आपका, जीरो, रिमाइंडर है ये आपका जीरो। और मैंने शुरू में बताया था जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, यस, कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पॉलीनोमियल है, वो सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है। फाइन, तो आपने यही लिखना है, यस द फर्स्ट पॉलीनोमियल आ गया जी, फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल, फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल, बस इतनी चीज आपने लिखनी है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। फाइन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, x³ - 4x³ + x² + 3x + 1, इसे हमने फैक्टराइजेशन करना है, सॉरी डिवाइड करना है 3x + 1 के साथ। तो किसको करें पहले, ठीक है, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, x की 5 है, तो चलिए देखते हैं x² + 3x + 1, ये मेरा डिवाइजर है, ठीक है। इसे मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि x की 5 आ जाए, x की 5 आ जाएगी अगर मैं इसे x³ के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। फाइन, इससे मेरा एक्स फाइव आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, एक्स की 5, और दूसरे केस में क्या बना, प्लस का 3x² फाइन, 3x² और प्लस का x³, यही बना आपके पास। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ आपका, ये x³ के साथ। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में ना आपकी बुक के क्वेश्चन में x³ है। फाइन, आपका जो बुक का क्वेश्चन है वो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, यस, है ना। तो यहाँ पे आपका x³ आएगा, और यहाँ पर भी जो साइन है ना वो माइनस का है, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। x³ - 3x है, तो यहाँ पर हमारा -3x है और x का क्यूब है, ये x का क्यूब है, ये माइनस का 3x है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बनेगा, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी क्वेश्चन में, ये x का क्यूब है और माइनस का 3x है, हाँ माइनस का 3x है। फाइन, तो अब इसे दोबारा से देखते हैं, अब यहाँ पे 3 है तो मुझे बाहर x² चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होकर x³ बनेगा, और यहाँ पर माइनस का 3x³ आ जाएगा, और यहाँ पर x² आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आई है, आपने ये वाली वैल्यू यहाँ करनी है सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, कहीं और मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। फाइन, तो
तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा फाइव जो आपका क्वेश्चन है उसमें, और यहाँ पे जो वैल्यू क्या निकल कर आई, एक्स की फाइव आई इधर से, यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स क्यूब, माइनस का थ्री एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो वो यहाँ आ जाएगा। फाइन, अब देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पे आपके पास माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है, फोर माइनस थ्री माइनस का एक्स क्यूब, और ऊपर से थ्री एक्स आया और प्लस वन आया। अब हमने क्या करना है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब, अब देखो एक्स क्यूब तो हमारे पास है ना, एक्स क्यूब हमारे पास है, थ्री एक्स भी है और वन भी है, सारी वैल्यूज हैं। फाइन, अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस वन से, माइनस वन से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का थ्री एक्स आ जाएगा और ये माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर है, माइनस का वन आ जाएगा क्योंकि जब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का वन है, यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब है, प्लस का थ्री एक्स है और ये माइनस का वन है। फाइन, अब ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, और जो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, टू। अब देखिए इस केस में हमारे पास रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया है, जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम, मैंने क्या बताया था कि वो हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नो, कि ये हमारा फैक्टर नहीं है, हमें रिमाइंडर जीरो चाहिए था, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर। देखिए अब हमें, हमने जीरोस के बारे में बात की थी हमारे पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो जीरोस क्या होती हैं, जीरोस होती हैं कि ये उसी किसी भी पॉलिनोमियल का जो आपका वेरिएबल है उसका, उसकी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो, मैंने आपको बताया था कि जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा उतने ही आपके वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आनी चाहिए थी, चार आनी चाहिए थी, लेकिन हमें टू जीरोस यानी कि दो वैल्यूज हमें बता दी गई हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दो वैल्यूज को हमने यूज करके ये पता लगाना है कि इनकी दूसरी दो जीरोस कौन सी बचेंगी, दो तो हमारे पास है ना, टू हमारे पास है जीरोस, टू हो और हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होंगी। फाइन, तो चलिए इसे कैसे करते हैं, देखिए जब ये जीरोस हैं यानी कि हमारा वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, तो इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस फाइव अंडर रूट में है ये, और ये x प्लस का हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड है ना, देखिए इसे ऐसे ऐसे लिखा जाता है, x की वैल्यू एक बार आपके पास ये है और एक बार x की वैल्यू आपके पास ये माइनस में, ठीक है। अब देखिए हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे इसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस में बन जाएगी अंडर रूट फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या बन जाएगी, x प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरीके से बनेंगे, वही चीज हमने यहाँ पर लिखनी है। फाइन, यही चीज है, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है ये वाली, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हैं, उसमें उन्होंने हमें बोला है क्योंकि ये जीरोस हैं तो उसके फैक्टर्स ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। फाइन, तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। फाइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव बाय थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, स्क्वायर है ऊपर, तो ये फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। फाइन, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वन बाय थ्री बाहर निकल कर आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए वन बाय थ्री भी ही इसका फैक्टर है, एक ये फैक्टर है इसका और दूसरा फैक्टर ये वाला है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे इस पॉलिनोमियल के
फैक्टर है। अगर ये दोनों ही हमारे इस पॉलीनोमियल के फैक्टर है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। फाइन, तो हमने दूसरे दो वैल्यूज को निकालना है। फाइन, तो ये वाली तो जीरो हो जाएगी, हमारे पास बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला फैक्टर। फाइन, तो ये वाला फैक्टर है 3x² - 5। तो चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहाँ से इस साइड में आपको ये सॉल्व करके बता दो। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, वो क्या है? ठीक है, वो ये है कि 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, हमारी बुक से अगर मिसप्रिंटिंग हो जाती है। 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। चलिए फाइन, तो ये अगर हमारा पॉलिनोमियल है और ये इसके फैक्टर हैं, तो हम डिवीजन मेथड जो हमने अभी पीछे लगाया था वो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं हमारा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड यहाँ पर लगाते हैं। ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। फाइन, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, सही करके थोड़ा सा। और यहाँ पर आपका ये वाला जो बन जाएगा हमारा डिवाइजर, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो फैक्टर होता है वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फाइन, तो वो चेक करते हैं कि क्या इस फैक्टर से हमारे दूसरे दो आंसर्स निकल कर आएंगे या नहीं आएंगे। फाइन, तो पहले तो इसे डिवाइड करते हैं और एक क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, डिविजन मेथड के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकल कर आया वो देख लो एक बार। चलिए, तो पहले क्या करना है, x की 4 बनाना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 3x² - 5 को x² के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा x का 4 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। 3x² - 5x² बन जाएगा। तो ठीक है, हमने इसको x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x² बना और माइनस का 5x², तो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस का 5x². फाइन, ये निकल कर आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस ये माइनस का हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का। फिर फाइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 6x³ और 5 में से 2 गए, 3x² और माइनस का 10x माइनस का 5। फाइन, यही आएगा आपके पास। चलिए, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना है कि हमने x³ बनाना है। x³ कैसे बनेगा, अगर मैं इस x² वाली वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरा x³ भी बन जाएगा? ठीक है, तो चेक करो। तो यहाँ पे देखिए, x के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आया 3x³ और माइनस का 5x, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, नहीं अभी देखिए 3x³ आया, मुझे 6x³ चाहिए था, तो क्या मैं इसे 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँ? तो 2 के साथ भी हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 6x³ आ गया, और जब हमने यहाँ किया तो ये 10x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके साथ, प्लस का, प्लस के 2x के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 6x³ आ गया और माइनस का 10x आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x² - 5, यहाँ पे एक चीज़ बची। तो हमारा जो कोशेंट है वो 3x² - 5 ही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे कम्प्लीट 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये डिवाइड किया, ये जीरो। अब देखिए रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर था। फाइन, जो हमने निकाला, इस जो हमारे दो जीरोस गिवन थे उससे हमने जो एक पॉलिनोमियल बनाया था, तो वो जो पॉलिनोमियल था बना था वो हमारे इस जो बड़ा पॉलिनोमियल है आपका, जो हाईएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल है, उसका वो फैक्टर थे। ठीक है, अब हमने दो वैल्यूज निकालनी है। अब अगर वो फैक्टर थे, उसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, दैट मीन्स ये वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल कर आया, ये वाला। ठीक है, जो हमारा हमारे पास जो क्वेश्चन निकल कर आया है उसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। वहीं से ही हमारे पास एक्स की दो और वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन है उसके फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, देखिए ये है हमारा x² प्लस का 2x और प्लस का 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। फाइन, देखिए क्या होगा, x² अगर मैं इसे
1x plus 1x plus 1 करूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां से x कॉमन आ गया तो x plus 1 बन गया, यहां से 1 कॉमन आ गया तो भी x plus 1 is equal to 0 बन गया, फाइन। और यहां पे देखिए x plus 1 आपका कॉमन आ जाएगा और यहां पे x plus 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास x plus 1, एक बार हमने ये वाला 0 के इक्वल पुट किया, यहां पर भी x plus 1 है, ये भी 0 के इक्वल पुट किया, तो x की दो वैल्यू यानी कि -1 और -1, ठीक है। तो ये आपकी जो है x की दो वैल्यू निकल कर आई हैं, यानी कि दो और फैक्टर्स जो जीरोस हैं वो निकल कर आए हैं, यानी कि एक जीरोस ये था हमारे पास, दूसरा ये था, तीसरा -1 और -1, चौथा -1, ठीक है। तो ये दोनों जीरोस आपके पास और निकल कर आ गए हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दो जीरोस और फाइंड आउट करने को बोला गया था, तो वो -1 -1 आपके होंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से किया है, पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by the polynomial gx, the quotient and remainder were this and this respectively. तो हमें gx फाइंड आउट करना है, इट्स आल्सो वेरी इजी, ठीक है। देखिए हमारे पास एक रूल होता है, ये सब जानते हैं, कौन सा होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्या होता है आपके पास, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है, ये हम सबको पता है, हमने इसी क्लास में भी किया है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा जो रूल है, इसके बेस पर हमने अपना जी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि जो दूसरा पॉलिनोमियल है जो इसे डिवाइड करेगा, यानी कि जो डिवाइजर है वो हमने फाइंड आउट करना है, फाइन। देखिए डिविडेंड मेरे पास क्या है, उसके नीचे लिख दीजिए, डिवाइजर हमें नहीं पता, हमें तो क्वोशेंट और रिमाइंडर पता है, ठीक है। डिवाइजर नहीं पता तो डिवाइजर को क्या लिखें, डी लिख दें, डी हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो क्वोशेंट को क्या लिख, क्वोशेंट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहला पार्ट आपका क्वोशेंट होगा और रिमाइंडर क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली, माइनस का 2x प्लस का 4, ये आपका रिमाइंडर है। अब हमने क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा आपका, और देखिए ये प्लस में है रिमाइंडर, उसको हम दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 4, ये पूरा माइनस में हो जाएगा, और इज इक्वल टू डिवाइजर जो है वो डी है, ठीक है, डी इंटू एक्स माइनस टू, डी को थोड़ी मल्टीप्लाई होगा किसी के साथ, तो एक्स माइनस टू इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा खोल के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे d जो डिवाइजर है हमारा, यानी कि इसे आप gx भी लिख सकते हैं, हमने gx फाइंड आउट करना है ना, तो डिवाइजर को आप यहाँ पर gx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी gx लिखा जा सकता है, जहाँ पे हमने d लिखा है आप इसको gx भी लिख सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं यहाँ gx ही लिख देती हूँ सब जगह, फाइन। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो ये x माइनस टू है हमारे पास एज इट इज। अब देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2x और ये x 3x बन जाएगा, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बन जाएगा, ये x³ - 3x² और ये प्लस का 3x और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू जी एक्स और ये x माइनस टू। अब देखिए अभी जी एक्स है, जी एक्स जो के साथ जो हमारा क्वेश्चन पड़ा है वो एक्स माइनस टू पड़ा है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में है तो वो इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास जी एक्स निकल कर आ जाएगा। अब जी एक्स कैसे निकलेगा, इसे डिवाइड करके। अब हमने क्या करना है, डिविजन मेथड लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा इसे रब कर लेते हैं यहाँ से, चलिए ठीक है। ये मैंने एक बार फिर से आपके लिए लिख दिया है जो हमारा जी एक्स निकल कर आया था, तो चलिए डिवीजन मेथड लगाते हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को हमने डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। तो हमारा फर्स्ट क्या है, क्यूब बनाना है। क्यूब कैसे बनेगा, अगर मैं इसे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैंने इसे एक्स स्क्वेयर से, साइड में करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वेयर से जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब आ गया माइनस का 2x² आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का 2x² आया और यहाँ पर माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस का x² बच जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 2। अगेन फिर से करते हैं, क्या है हाईएस्ट पावर, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन भी है तो माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x आ जाएगा आपके पास। तो चलिए यहाँ पर बनेगा आपका माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस का x² और प्लस का 2x माइनस का 2। फाइन, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसे तो लिखना ही नहीं है अभी, इसे नहीं लिखना। ठीक है, चलिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, यहाँ पर आपके पास x माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2 बच जाएगा किससे करेंगे, प्लस 1 से, सीधा x माइनस 2 किया तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया और आपका जो एक और वैल्यू आई निकल कर, यानी कि वो मेरी क्या हो जाएगी, जी एक्स हो जाएगी। फाइन, तो जी एक्स हमारी क्या आ जाएगा, यहीं से देख लीजिए, तो ये आपका जो बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपका जी एक्स बन जाएगा। फाइन, हमें जी एक्स फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से हमने उसे फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे खुद से करेंगे ना प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कमांड बन जाएगी कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस माइनस कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर। फाइन, तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है, और चैप्टर के साथ साथ जो हमारी पॉलिनोमियल है वो भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जितनी भी वीडियोस बनती थी वो सारी मैंने अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल पर। अगर आपने हमारी फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिए और इसे भी देखिए, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए भी साथ साथ कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन क्लिक करते रहिए, कमेंट करते रहिए मुझे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे स्टार्ट बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।